हाय एवरीवन, दिस इज जेम इंट्रो सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल इंपोर्ट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज ओके, देन प्लीज लेट मी नो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। शैल वी स्टार्ट इट? ओके, सो स्टार्टिंग इट। Once again, people. Just one second. Good evening, Ayush. बहुत दिनों के बाद तुम दिखे हो आज। एक्चुअली मेरा पेंटैप थोड़ा धोखा दे रहा है अभी। आई हैव नो आइडिया व्हाट। ओके, ऐसे ही शुरू करते हैं, क्या करेंगे। पीपल जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ, मुझे एक सेकेंड दो। एक्चुअली मेरा पेंटैप चल ही नहीं रहा है, अभी तक चल रहा था, एकदम से अचानक से इसे भी क्या हो गया। टेक योर टाइम, 10 बजे एक और क्लास है। गुड इवनिंग। आज जब पेन टाइम नहीं चल रहा तो सब आ रहे हो धीरे धीरे, जब चलता है तो कोई नहीं आता है सेशन में। बड़ी प्रॉब्लम है यार ये तो। ओके, सो मैं ऐसा करूँगी, मैं डिक्टेट करूँगी और तुम लोग बस सुनते चलना, ठीक है? बिकॉज लिखना मुश्किल है। दिस पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। इट वॉज वर्किंग टिल आफ्टरनून, अभी एकदम से ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, वन मोर थिंग, यू विल बी हैविंग अ सेशन एट 10 PM दिस, आज रात के 10 बजे होगा। ओके, दिस इज करेंट अफेयर सेशन एंड यू कैन अटेंड दिस क्लास ऑल्सो। We do current affairs plus all the related news. Okay, so you can attend this session as well tonight 10 PM. Every night 10 PM you will be getting it on Olive Board YouTube channel. Okay, current affairs, and in this class along with current affairs we are also doing the related news. So that would be very very beneficial for you people. Okay, अब जरा इतना रुके हो तो एक सेकेंड और रुके रहो प्लीज। हाँ, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत चल रहा है। नाउ सी, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड लाइन डे ऑब्जर्व। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है
कि वर्ल्ड लायन डे को कब मनाया जाता है? ऑप्शन यू कैन सी हियर, 10th of July, 10th of August, 5th of July, 5th of August और 8th of August. व्हाट इज द आंसर? ओके बताइएगा. क्वेश्चन वॉज वेन इज वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व. ओके ऑप्शन आप लोगों के सामने आप लोगों को देख सकते हैं. अब आप लोगों को इसका आंसर करना होगा. यू कैन सी 10th of July, 10th of August, 5th of July, 5th of August और 8th of August. ठीक है, देखो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी, आप ही बताते चलो, द आंसर विल बी 10th of August. ये आपका 10th of August को होता है वर्ल्ड लायन डे, ध्यान रखे रहेगा आप लोग जरा. अब इसके साथ में देखिएगा, इसको मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट लायंस एंड हाउ टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन. एज पर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर एनिमल, अ लायन इज रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ द जंगल. इट मोस्टली लिव्स इन ग्रासलैंड एंड प्लेन. ये हमसे नहीं पूछेगा. इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इज इंक्रीज्ड बाय 29% इन गुजरात गिर फॉरेस्ट. इन 2020 इंडिया हैड 674 लायंस. द थीम ऑफ द वर्ल्ड लायन डे 2021 वॉज स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन. ओके सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड इज वॉट? इज चीता. आर दे इन इंडिया? नो. इन 1952 इन इंडिया दे वर कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट. नाउ फ्रॉम साउथ अफ्रीका वी आर अगेन गेटिंग सम चीतास एंड दे विल बी ट्रांसफर्ड टू कूनो नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज द स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क. इसको जरा आप लोग याद रखिएगा. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो. ओके नाउ इफ इट इज आस्क्ड इज देयर अ डिक्लाइन और इज द पॉपुलेशन ऑफ लायन इट हैज बीन इंक्रीज फॉर द पास्ट 100 years. सो टॉकिंग अबाउट द पास्ट 100 years देयर इज अ डिक्लाइन इन लायंस पॉपुलेशन बाई हाउ मच? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट जो है डिक्लाइन किया है. 80% तक ये डिक्लाइन किए हैं, लेकिन लास्ट ईयर कंपेरिजन भी देखा जाए तो देवर इंक्रीज. इसको जरा आप लोग याद रखे रहेगा. ओके क्या हाँ इसको जरा सभी लोग ध्यान रखे रहना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अनदर थिंग, वॉट इज द साइंटिफिक नेम? सो द साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा पैंथेरा लियो लियो. दिस इज द साइंटिफिक नेम. देन वी आर सीइंग हियर वन अफ्रीकन लायन, है ना? अफ्रीकन लायन देख रहे हैं. इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एनी वन? द नेम इज पैंथेरा लियो पर्सिका. दिस इज द साइंटिफिक नेम. ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हैज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम? बताइएगा इसमें से क्या थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का? एवरीवन, इनोष, आयुष, सुरेश, विभू, अमन, किशन, विशाल, बताइएगा. अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी. ये कोई टफ नहीं है, आसान सी चीज है जो आराम से किया जा सकता है. बिकॉज वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोगों ने बहुत ही बारी किया है. Isn't it? चलो भाई, द आंसर विल बी डिजिटल जनरेशन, आर जनरेशन. सी हियर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑन अक्टूबर 11 इट इज सेलिब्रेटेड. ऑन दिसंबर 2011 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन. सी दिसंबर 2011 दे हैव अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर अक्टूबर 11 एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड. ओके नाउ इन 2021 द जनरेशन इक्वालिटी फोरम लॉन्च्ड 5-year कमिटमेंट्स for bolder solution for gender inequality. International Day of Girl Child 2021 theme, Digital Generation, Our Generation. ठीक है, अगर ये पूछा जाता है तो इसको याद रखे रहना, important है, पूछा जाता रहता है. Okay? Yes. Now, one more thing. We all know about Sustainable Development Goals. Okay? We all know about this, the Sustainable Development Goals. ठीक है, मेरी पेन नहीं चल रही इसलिए ऐसी राइटिंग हो रही है अभी. So, please do adjust for some time. What matters is what I am teaching, what you people are learning and what are the questions. ये ज़्यादा matter करता है. Okay? Anyway, so here we can see what is the Sustainable Development Goals. There are total 17 Sustainable Development Goals which is set by the UN and we need to achieve it by 2030. In SDG, the SDG 5, jo Sustainable Development Goal 5 hota hai, it refers to what?
इट रेफर्स टू जेंडर इक्वालिटी एंड दे इट शुड बी अचीव बाई 2030। तो इस पॉइंट को याद रखे रहना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ये तो हमने इंटरनेशनल पढ़ाना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है सभी लोग बताइएगा। When is National Girl Child Day celebrated? Arvind, Enosh, Kishan, Navneet, Suresh, Ayush, Bank PO, do let me know when is National Girl Child Day celebrated? 24th of January, Ishpinter is answering. 4th Jan is answering June 12th. Ayush 24 Jan, Bibhu Jan, what Jan? Jan mein koi date hogi? Search it. When is National Girl Child Day celebrated? Next is, Tribal Affair Ministry recently signed an MOU with which of the following tech giants to provide digital transformation of tribal schools such as Eklavya Model Residential and Ashram? Google, Microsoft, Apple, Samsung, IBM. What is the answer? No, that is same for all the countries. For all, but there are total 129 countries who will be achieving it. सब कुछ अलग चल रहा है और यहाँ मेरे पेन की प्रॉब्लम बहुत ही अलग चल रही है बिल्कुल। ओके सी द क्वेश्चन इज कि किसके साथ में इन्होंने जो है अभी अभी पैक्ट साइन किया है, किसके लिए? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट। वी हैव ऑलरेडी डन इट सो मेनी टाइम्स। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव साइंड एन एमओयू फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल सच एज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एंड आश्रम स्कूल। ठीक है, तो इनको जरा आप लोग याद रखे रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैन यू पीपल टेल मी वॉट इज द बजट एलोकेटेड फॉर एकलव्य स्कूल? एकलव्य स्कूल के लिए इस साल क्या बजट एलोकेट किया था पर यूनिट के लिए? यस, फॉर पर यूनिट। नहीं बताओगे? सी बताते चलना। देखो एकलव्य स्कूल्स वहां पर होंगी जहां पे जो एसटी की पॉपुलेशन होगी वो हाई होगी। ठीक है, फिलहाल में देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि फिलहाल में कितने ऐसे एकलव्य स्कूल्स हैं, तो ये बेसिकली जो है नवोदय के मॉडल पे बनाया जाएगा। इट विल बी मेड ऑन द सेम मॉडल ऑफ नवोदय एंड इट विल बी मेड इन एन एरिया वेयर द पॉपुलेशन विल बी वेर द पॉपुलेशन ऑफ एस टी विल बी मोर देन 50%। ठीक है, ऐसी एरियाज में इनको बनाया जाएगा, तो ये पॉइंट को जरा आप लोग ध्यान रखे रहेगा। अब एक बात आती है कि फिलहाल में टोटल कितने ऐसे आपके वहां पर एकलव्य स्कूल्स हैं, ये पूछा जा सकता है, isn't it? Yes, there are total 284 एकलव्य स्कूल्स। ठीक है, इसको जरा आप लोग ध्यान रखे रहेगा, हो सकता है बाई चांस पूछ ले। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। FDI is an investment from a party in one country into a business in another country with the intention of establishing a lasting interest. What is D in FDI stands for? Short name stands for Demand Deficit Direct Deposit or DMAT. ये तो आज की आज का सबसे आसान सवाल हो गया। Now see the answer will be what? Direct. ठीक है, so it stands for foreign direct investment that you can see. Basically, the foreigners are investing in our country in two ways. One is FDI and another is FII. That is foreign institutional investment. Okay, this is FII. So in FII, basically they invest in shares and they can take their investment anytime they wish. But when we are talking about FDI, they are investing in some kind of company, like you are making a company in some other country. So you will be establishing all the setup there, isn't it? You have to be there for at least some year, isn't it? The same thing foreigners are doing in our country and that is only known as foreign direct investment. There was a committee which told us what is the difference between FDI and FII. The committee was of Arvind Mayaram. ठीक है, ये committee जो थी ये Arvind Mayaram जी की थी, इनके नाम को याद रखना। Okay, in our country FDI can be in two routes. One is automatic and the other is what? Government. In automatic, there is no such kind of approval. If like there is that a company can invest up to 74% or up to 100% in oil refineries.
So the companies are free, they can now come and invest up to 100%. They can establish a unit of refineries, oil refineries, okay? These are approved, automatic route. But if it is like if a company is allowed up to 74% only, so they can invest up to 74%. If they want to invest even more, they will have to go to government to seek the permission of government, okay? So that is the difference in between automatic and government route. Which is the country having highest source of FDI in our country? That would be Singapore. And remember that India is the second highest source of investment FDI in UK. Okay, next. Who became the first Indian to judge gymnastics at the Olympics? Deepak Kabra, Deepa Karmakar, Ashish Kumar, Kalpana Devnath, Aruna Reddy. बताइएगा द क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जज जिम्नास्टिक्स एट द ओलंपिक्स एनीवन ओके नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम अश्विनी फॉर्चून अंशुल आर्यन किशन बिबू इनोज नवनीत बैसाखी एनीवन एल्स द आंसर विल बी व्हाट द आंसर विल बी दीपक काबरा अ जिम्नास्टिक जज फ्रॉम इंडिया दीपक काबरा विल बी सीन जजिंग द आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स इवेंट्स एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. This is the first time that an Indian will be seen officiating in the sport of gymnastics at the Olympics. The Mumbai-based Deepak Kabra was appointed as a member of Asian Gymnastic Union's Technical Committee in the year 2019. Who is the author of Neither Settler Nor Native, The Making and Unmaking of Permanent Minorities? Jane Austen, Mahmood Mamdani, Salman Rushdie, Jhumpa Lahiri or Anita Desai? What is the answer? See, the question is what? The question here is, who is the author of Neither Settler Nor Native, The Making and Unmaking of Permanent Minorities? Nahi bataoge? Okay, Bibhu is answering Vishal Forjan, Navneet Aman, Mayur Aman, Mamta Inosh. Everyone is answering and everyone is answering B or C. See, the answer will be Mahmood Mamdani. Mahmood Mamdani, the Mumbai-born Ugandan academic and writer, was shortlisted for 2021 British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding. He is among the four authors who have been selected for GBP 25,000 non-fiction prize. Mahmood Mamdani, 75, has been shortlisted for his book Neither Settled Nor Native, The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Okay, so isko zara yaad rakhna. Why is it important for us? Because this has been shortlisted. So it can be asked who wrote it. Okay? Now, IIT Madras has created a history for becoming the best ranking Indian institute for what time in a row? 3rd, 4th, 5th, 6th or 7th? Batayega. Question is, IIT Madras has created a history for becoming best ranking institute for what time in a row? Kitni baar lagatar ye hua hai? The answer will be third. Okay. IIT Madras has created a history for becoming the best ranking Indian institute for third time in a row. The institute has been undefeated champion since 2019. ISC has continued to obtain the second rank. ISC used to be the best ranking institute in 2018 and before. In the 6 years of NIRF, no other institute has got the top spot yet. ठीक है तो देखो NIRF ये आपकी नीति आयोग इसको पब्लिश करी थी एंड इन दिस ओवरऑल द बेस्ट यूनिवर्सिटी वाज गिवन टू आईआईटी मद्रास एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी ठीक है यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में इट वाज गिवन टू आईआईएससी आईटी मद्रास वाज आल्सो गिवन अपार्ट फ्रॉम दिस टू मोर अवार्ड्स आईटी मद्रास हैज वन एंड दिस इज कंटीन्यूअसली थर्ड टाइम आईआईटी मद्रास इज विनिंग दिस अवार्ड ठीक है तो इसको जरा आप लोग याद रखिएगा द आंसर यू विल बी व्हाट इट हैज वन इट फॉर द थर्ड टाइम. Talking about some more important terms of IIT Madras, अगर हम लोग बात कर लें तो IIT Madras has launched NeoBolt. Now, what is this NeoBolt? NeoBolt क्या था? Motorized wheelchair. क्या था ये? Motorized wheelchair. ठीक है तो एक तो ये हमने देखा. Anyone else? Yes. इन्होंने एक और चीज लॉन्च करी थी e-source. क्या लॉन्च किया था? E-source. What is e-source? Yes, basically an online platform to address all the problem related to e-waste.
ओके दैट इज व्हाई दे हैव लॉन्च्ड व्हाट ईसोस, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखे रहिएगा। यस देन एक और बात को याद रखिएगा कि जो आईटी मद्रास है ये सोनी के साथ में मिल करके संवेदन होस्ट कर रहा है, इन केस दे आर आस्किंग, ये आने का कम चांस है बट अगर पूछते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यस और एशिया का पहला, हाँ एक सेकेंड, एशिया का जो है पहली बार इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप, क्या इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडी वर्कशॉप, ये भी आईटी मद्रास ने होस्ट किया है, इतनी बातों को याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे, MCII एंड नाबार्ड, नाबार्ड एंड ICAR, ICAR एंड MCCIA, MCCIA एंड ICCI, ICCI एंड नाबार्ड, व्हाट इज द आंसर? ओके नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम हूम, नो वन, या आर्यन, नवनीत, विभू, अमन, सुरेश, अश्विनी, मेहुली, बाकी लोग नहीं बताओगे। द क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इन पुणे, इजंट इट? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी MCCIA एंड नाबार्ड, दैट इज महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन एसोसिएशन विद नाबार्ड हैव लॉन्च्ड India's first and unique agriculture export facilitation center on 15th of May 2021. Next, who won the Copa America 2021 football tournament? Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay. What is the answer? क्या पूछा जा रहा है कि Copa America 2021 football tournament कौन जीता है? Yeah. Can you tell me who was the captain of the team? इस टीम के कैप्टन कौन थे? सो मेनी पीपल आर आंसरिंग नाउ, द आंसर विल बी ऑब्वियसली अर्जेंटीना। सी अर्जेंटीना डिफीटेड ब्राजील 1-0 टू विन कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट, आफ्टर 28 इयर्स ऑफ वेट अर्जेंटीना फाइनली हैज अ ट्रॉफी एज इट बीट्स ब्राजील इन द फाइनल, एंजेल डी मारिया गोल गेव द साइट अ 1-0 विन ओवर अ ब्राजील, इट इज अर्जेंटीनाज फर्स्ट टाइटल सिंस 1993 एंड 15th कोपा अमेरिका टाइटल, ठीक है, रिमेंबर, यस इट वाज मेसी एंड ही हैज रिसेंटली गॉट बैलन डी ओर। Recently, Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Road Transport and Highway inaugurated an emergency landing field at बामेर, राजस्थान, नासिक, आदमपुर, उधमपुर और पंजी, व्हाट इज द आंसर? नाउ अगेन वी आर लर्निंग द इजीएस्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टुगेदर इनॉग्रेटेड अ इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड एट व्हाट? दैट वुड बी बारमेर, राजस्थान, बेसिकली इट इज जालोर एंड NH 925 इन द साउथ ऑफ बारमेर, it has been launched. This is the first time that a national highway will be used for emergency landing of craft of IAF. Before this, was it announced anywhere else? Yes, in UP. But it was on expressway. Now it has been launched on highway. So there is a difference between expressway and highway. In expressway, once the divider starts, it ends at the very end of the road. Okay? But in highway, you are getting the divider divided in between. Is it? Okay, so that is a basic difference and there are many other differences as well. Okay, so basically previously it was taught about the UP expressway. ठीक है, लेकिन अभी इसको कहाँ लॉन्च किया गया और ये अब नेशनल हाईवे पे किया गया है। हाईवे में यहाँ पहली बार होगा, एक्सप्रेसवे में इधर हो जाएगा। ठीक है, now which country has granted a patent relating to a food container based on fractal geometry to an AI system called Dabus? South Korea, Japan, China, France, South Africa. What is the answer? If you people are liking the session, please do give it a like. And if you want to read more things in depth, more depth questions and everything all, so you can join me on Edge, Olive Board Edge. For that, you will have to apply this code Sushmita and you will be getting an additional 5% off. Okay, so you can join me over here. We are Olive Board Edge and apply this code Sushmita. And trust me, the level you will see, it will make a difference to you people. ठीक है, तो उस लेवल पे आप लोग आओगे जहाँ पे आपको लगेगा यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर SBI, तब आपको फील आएगा, उस लेवल को आप पढ़ोगे, अब लॉट ऑफ डिफरेंस इट विल क्रिएट। ओके एनीवे नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सो द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ग्रांट्स अ पेटेंट रिलेटिंग टू अ
food container based on fractal geometry to an artificial intelligence called Dabas. It stands for Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. It is an AI system created by Stephen Thaler, a pioneer in the field of AI and programming. The system simulates human brainstorming and create new inventions. Okay? And also, obviously, South Africa is now known for Omicron. Apart from this, South Africa is the country having most unsafest road. Author Susanne Clarke won the Women's Prize for Fiction 2021 for Dominicana, Piranesi, Jonathan Strange and Mr. Norrell, Mirror and the Light, A Thousand Ships. What is the answer? Now, the question is, author Susanne Clarke won the Women's Prize for Fiction. Kiske liye ye mila hai? Now, the answer will be what? Piranesi. Author Susanne Clarke won the Women's Prize for Fiction 2021 for her novel Piranesi. Novelist and Booker winner Bernardine Evaristo chaired Women's Prize judging panel this year. Piranesi is narrated by a man living in a labyrinthine, statue-filled house, alone except for a visitor known as Other that comprises his whole universe. Recently, which one of the following built 1,100-ton full-span launching equipment for the high-speed railway project? L&T Limited, Tata Group, Reliance Limited, Adani or Mahindra? The question is what? The question here is, आपसे पूछा जा रहा है, किन्होंने अभी-अभी 1,100-ton full-span launching equipment high-speed railway project के लिए बनाया है, okay? Options is in front of you. I am getting one answer from Forjin. He is asking me, is it B? Anyone else? Enosh is answering A. And C, the answer will be what? L&T. The 40 meter long rider weighing 975 tons will be the heaviest PSC box rider to be precast and erected in India's construction industry to encourage Atmanirbhar Bharat Abhiyan initiative. Okay. Yep. Now, which of the following MNC has recently appointed Prateev Mohapatra as its vice president and managing director for India? Adobe, IBM, Google, EY, or Amazon? What is the answer? See, if you people find the level as tough, okay, still you can answer it like A, B, C, D, or E. If you people find it tough and you just leave the session, I don't know anything. So, nothing can teach you. Even if your own mistake isn't teaching you, what else is gonna teach you, okay? So, if you people are finding it tough, you are unable to answer, just try answering anything, okay? You are not giving the exam right here that you are getting hopeless, I am unable to answer. You are just checking the knowledge or getting some new things to know. The real thing will be in your examination hall. For that you need to prepare yourself. Okay, so just try answering anything. A, B, C, D or E. And apni atma ko hi shanti milti hai, theek hai? Now the answer is what? The answer will be, which of the following MNC has recently appointed Prateev Mohapatra as VP? The answer will be Adobe. Okay, who is the chief? Shantanu ji. Who has signed an agreement with WPTC for supply of CNG to its depots of introduction of CNG fueled buses? BGCL, ONGC, Bharat Petroleum, Coal India or Indian Oil? What is the answer? Now the question is, who has signed an agreement with WPTC for supply of CNG to its depots on the introduction of CNG fueled buses? Options are in front of you. The answer will be what? The answer will be BGCL. West Bengal Transport Corporation introduced CNG fueled buses in Kolkata. Transport Minister Firhad Hakim inaugurated first such vehicle, BGCL, a joint venture of GAIL Limited and Greater Kolkata Gas Supply Corporation Limited, signed an agreement with WPTC, West Bengal Transport Corporation, for the supply of CNG to its depots. Which of the following is India's first satellite ballistic missile tracking ship? INS Vikram, Dhruv, Vishal, Swati or Kalki? What is the answer? देखो भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी है भारत की पहली सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप? वी हैव डन इट फॉर लाइक 1000 टाइम्स, कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को कर रखा है ना?
Who is answering here? One answer is from Navneet, another is from Kishan. Anyone else? Yes. देखो इसका आंसर क्या होगा, आइनिस ध्रुव. ठीक है, आइनिस ध्रुव जो है ये एक रिसर्च वेसल है और मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप जिसको बनाया गया है इंडिया के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा. रिमेम्बर हु मेड इट, क्वेश्चन कम्स ऑन दिस ऑल्सो, वॉट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विच मेड इट. ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों से पूछे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो रिमेम्बर दैट अभी हाल फिलहाल में और भी कुछ बहुत सारी न्यूज में थे, जैसे आइनिस संधायक. इसको क्यों न्यूज में रखा गया था? बिकॉज आईएनएस संधायक को अभी अभी डीकमीशन किया गया है. ओके, इट इज द ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक शिप ऑफ आर कंट्री. ठीक है, ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप इन आर कंट्री. काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की पार्ट रही थी. देन ऑल्सो रिमेंबर अबाउट द P8I रेंजेस. फिर जो आपकी सबमरीन स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर है, रिमेंबर अबाउट देम. वी हैव लर्न दैट द लेटेस्ट वन इज वेला which is the fourth and the latest right now. There are total six. Now we have got the fourth one. ठीक है, इसको मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स बना रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को भी जरा ध्यान रखना. ओके, एंड बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट ऑल दीज आईएनएस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट रीडिंग इट ट्वाइस और थ्राइस विल क्लियर इट. ओके, अच्छा आईएनएस हंसा क्यों अभी न्यूज में थी? बिकॉज यहाँ पे वो सेरेमनी हुई थी जिसमें इंडियन नेवी के एविएशन विंग को प्रेसिडेंट कलर दिया गया. ठीक है, आरबीआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड ओपन देयर गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट. Who among the following is not eligible to avail this facility? Saving account holder in India with PAN, non-resident retail investor eligible to invest in government securities under FIMA, DMAT account holders, none of them are eligible, all of them are eligible. What is the answer? Now see, the question here is what? The question is ki RBI recently introduced RBI Retail Direct Facility. Basically, it was introduced so that even the individuals can now invest in government securities. That was the basic reason. Who are the people who are unable to invest in it? Isn't it? This is the question. Now, the answer will be what? RBI issued RBI Retail Direct, a one-stop solution to facilitate investment in government securities. It was launched to improve ease of access by retail investor through online access to government securities market, along with the facility to open their guild securities account retail direct with the RBI. Saving account holders in India with PAN, valid KYC document, email ID and registered mobile number are eligible to open this account. Non-resident retail investor eligible to invest in GSEC under FEMA, that is Foreign Exchange Management Act rule. The RDJ account can be opened singly or jointly with another retail investor who meet the eligibility criteria. So, agar exam mein poocha jata hai ki can we open a joint along with someone else? Yes, you can do that. But the DMAT account holders are not mentioned. So, ye aapka answer ho jayega, theek hai? Moving to next. According to EY's 57th Renewable Energy Attractiveness Index, which of the following countries rank the top three position in index? India, US, UK, UK, Finland, Japan, India, Japan, US, US, China, India, China, US, Finland. What is the answer? Question is what? EY के 57th Renewable Energy Country Attractiveness Index, that is RECAI के according, कौन सी country जो है ये top three positions पर थी इस index में? See now, the answer will be US, China and India. Okay, Ernst & Young Global Limited recently released its 57th RECAI and granted third position to India due to its continued progress in solar energy. The biannual RECAI ranks the world's top 40 market on attractiveness of their renewable energy position. Okay, now see, US retained the top and China at second in 57th index. East Asian markets, Japan and South Korea ranked 8th and 17th respectively. Also made commitment toward net zero in the past year. Okay, so remember these points. The top three were US, India, US, China, India. It was 57th edition. Also remember that Japan at 7 and South Korea at 17. These were the ranks important. Who was adjudged the player of UEFA Euro 2020?
गियान लुइगी डोनारमा हैरी केन जियोर्जियो चियालिनी काइलियन बापे लियोनार्डो बोनिकी व्हाट इज द आंसर द क्वेश्चन इज व्हाट हु हैज एडजस्ट द बेस्ट प्लेयर ऑफ यूईएफए यूरो 2020 एनीवन See, the answer will be Gianluigi Donnarumma. No. Italy's goalkeeper Gianluigi Donnarumma named player of UEFA Euro 2020. Italy defeated England in UEFA Euro 2020 final in penalty shootout. After the score was tied at 1-1 after extra time. It was the first final to be decided on penalties since Czech Slovakia beat West Germany in 1976. Italy won European Championship for the first time since 1968. Okay. No. Which of the following country recently unveiled one of the world's largest 60 megawatt peak solar photovoltaic farms? China, Japan, India, Singapore, or Vietnam? नहीं बताओगे सी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 60 मेगावाट पीक सोलर फोटोवोल्टिक फार्म्स द आंसर विल बी सिंगापुर ओके नाउ सिंगापुर अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स विच कैन प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर आइलैंड्स 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट The project is part of efforts by country to meet a goal of quadrupling its solar energy production by 2025 to help tackle climate change. Okay, this can be asked that Singapore aims to quadruple its solar energy, yani 4 times increase karna apni solar energy ko kaun si year tak? That would be 2025. Which social media platform is launching a 1-year joint initiative with UNICEF India for child welfare? Twitter, Kuu, Facebook, Google और LinkedIn. What is the answer? हाँ सबसे ज्यादा जो FDI शेयर है वो सिंगापुर का होता है इंडिया में नहीं बताओगे ओके आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम Mayank ही इज आंसरिंग ट्विटर देखो क्या पूछ रहा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो 1 साल का ज्वाइंट इनिशिएटिव यूनिसेफ के साथ में लॉन्च कर रहा है फॉर चाइल्ड वेलफेयर ऑप्शंस आपके सामने हैं And I am getting just 2 answers from Mayank and Navneet. No one else is answering. Kab khoon kholega re tera? That is the dialogue I am getting to remember right now. Theek hai, toh batao bhai kya hai answer? Now the answer will be what? Facebook. Facebook is launching a 1-year joint initiative with UNICEF India. Remember it is UNICEF India. Theek hai, jo India ka part hota hai. On ending violence against children with a special focus on online safety. Okay? The answer here will be what? Facebook. Okay? And also remember, the National E-Governance Division, along with my government, they have also launched a safety online, basically the online safety for all the child and women. So, अगर आपसे पूछा जाता है इसका exact name मुझे नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया कि अभी इसको launch किया गया था किसके लिए? तो वो आपका NEGD और my governance ने मिलकर launch किया था. इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट है उन्होंने अभी 10 countries के लिए 1-stop सेंटर सखी लॉन्च किया था तो इन सब पॉइंट्स को भी जरा ध्यान रख के रहना नाउ मूविंग टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद कॉर्डेलिया क्रूजेस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लग्जरी क्रूज लाइनर NTPC, IRCTC, IWAI, ICG या इंडियन नेवी व्हाट इज द आंसर सी द क्वेश्चन इज इनमें से किन्होंने लॉन्च किया साइन किया एक एग्रीमेंट कॉर्डेलिया क्रूजेस के साथ में जहां पे लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग 2 answers वन इज फ्रॉम नवनीत अनदर फ्रॉम सत्यम ओके नाउ फोर्ज इन मेओली सुरेश इज आल्सो आंसरिंग नाउ द आंसर विल बी व्हाट IRCTC IRCTC has joined hand and signed agreement with Cordelia Cruises being operated by MS Waterways and Laser Tourism Private Limited for promotion and marketing of first indigenous luxury cruise in India. Okay. Also, IRCTC recently signed a deal with Red Bus and together they have launched Red Rail. KP Gopal Rao passed away recently is a recipient of which medal?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुना अवार्ड पुलित्जर प्राइज महावीर चक्र और पद्मश्री व्हाट इज द आंसर देखो क्या पूछा है कि केपी गोपाल राव जिनकी अभी मृत्यु हुई है ये इनमें से किस मेडल के एक रेसिपिएंट रह चुके हैं है ना द आंसर विल बी व्हाट सी द आंसर विल बी कोमोडोर कासारगोड पद्मश्री गोपाल राव 1971 वार हीरो एंड रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र विद हिज लास्ट द नेवल वेटरन वाज अ रेसिपिएंट ऑफ विशिष्ट सेवा मेडल ही प्लेड अ की रोल इन वॉर विद पाकिस्तान To liberate East Pakistan, that is now Bangladesh. Okay, he led a small task group of Western fleet and launched an offensive off the coast of Karachi as part of Operation Cactus Lily. Okay, the answer will be Mahavir Chakra. What is capital of Gambia? Dakar, Banjul, Bissau, Konkari, Malabo. Easiest question for today. The question is, what is the capital of Gambia? Answer will be Banjul. See, India and Gambia signed MOU to strengthen and promote bilateral cooperation in personnel administration and governance reform. The cooperation in improving performance management system in government implementation of contributory pension scheme and e-recruitment in government form part of the areas to be covered under MOU. What is the capital Banjul? What is the currency Dalasi? Who is the president Adama Barrow? Which of the following became the first country to adopt Bitcoin as a national currency? Cuba, Vietnam, Bolivia, Cambodia, El Salvador. What is the answer? No, Gambia, Banjul is easy, I suppose. I mean, I don't know why. Maybe I have been reading it so many times. Maybe that's why. Anyway, the question is, which of the following became first country to adopt Bitcoin as national currency? Answer will be El Salvador, है ना? What is the capital? San Salvador. Currency? US dollar and Bitcoin. They will also be launching a city for same. Now, El Salvador moved to become first country in world to adopt Bitcoin as legal tender. The government is rolling out Bitcoin ATMs and e-wallet and stylish kiosks. Which of the following regulator has recently approved acquisition of 23.5% stake in ONGC Tripura Power Company Limited by Summit India? RBI, SEBI, SIDBI, CDSL, CCI. What is the answer? Now see, this is very easy. Question is, which of the following regulator has recently approved acquisition of 23.5% stake in ONGC Tripura Power Company Limited by Summit India? What is the answer? See, the answer will be CCI. Any these kind of approval for acquirence, merger and anything of normal companies will be given by Competition Commission of India itself. Okay. Which of the following state government has recently added black fungus in the list of diseases covered under YSR Arogya Shri? Now when this comes, YSR, already the answer is clear to us. Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu or Odisha. What is the answer? See, there is this YSR. The answer will be Andhra Pradesh. Anything in which there is YSR, it will relate somehow to Andhra Pradesh. Now see, Andhra Pradesh government included black fungus in the list of diseases covered under YSR Arogya Shri. According to the health department, 14-day package under post-COVID with mucormycosis management cost up to ₹41,916. It is known that those who recover from COVID are yielding to another problem in the form of black fungus. Okay, mucormycosis, commonly called black fungus, serious fungal infection caused by mucormycin. Okay, so is zara yaad rakhe rehna kiski wajah se ho raha tha. Yes, he is the chief minister Jagan Mohan Reddy. So everything contains YSR belongs to Andhra Pradesh. Mohammad Mukbar has been named as vice president of which country? Ab ye thoda tough hai. Vice president generally puche nahi jaate hain. Iran, Iraq, Israel, Egypt or Saudi Arabia? Answer will be what? The answer will be Iran. Who is the president? Ibrahim Raisi. Mukbar was appointed to position by Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in 2007.
Which of the following Himalayan animals recently insured? Yak, snow leopard, giant panda, red panda, one horned rhino. Which of the following animal has recently got an insured? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? This is a good question. Anyone? Few days before we were reading about this in our edge. The answer will be yak. Okay. The high altitude yak, feeling the climate change heat across the Himalayan belt, will now be insured. The National Research Center on Yak at Dirang in Arunachal Pradesh, West Kameng District, has tied up with National Insurance Company Limited for insuring their livestock. The insurance policy will shield the yak owners about the risk posed by weather calamities. The total yak population in India is about 58,000. Now remember one more thing, that yak, they can't bear high temperatures. ठीक है, तो इनके लिए ऐसा temperature maintain और ऐसी जगह होनी ही चाहिए. सबसे ज्यादा आपका ये जम्मू और अरुणाचल साइड में पाए जाते हैं. Recently, President Ramnath Kovind has appointed Banwari Lal Purohit as governor of Uttarakhand, Punjab, Tamil Nadu, Nagaland, Assam. What is the answer? Anyone? Banwari Lal Purohit, he has been recently appointed as the governor of which state? That's why we are here to teach you people for mains. Answer will be, President Ramnath Kovind has appointed new governor in 4 states. General Gurmeet Singh, governor of Uttarakhand. Banwari Lal Purohit, governor of Punjab. R.N. Ravi, governor of Tamil Nadu. Jagdish Mukhi, present governor of Assam, has been appointed to discharge function of governor of Nagaland. Okay. Yeah. Tamil Nadu pehle the, abhi nahi hai. Okay. Now, this was the session for today. If you liked it, give it a like. And if you want to download the PDF, is group ko join kar lo, GSEA by Sushmita Ma'am. This is my Telegram group. You will be getting the PDFs over here. And 10 p.m. here only on Olive Board YouTube channel, we will be having our current affairs session. Okay, so we'll meet you people again. Till then, have a good day. Take care. Bye-bye. Jai Hind, Jai Bharat. God bless you all. Love you people. Bye-bye.